शाम का टाइम है, शाम का वीडियो है ये। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेटी के बाल। और बेटा ना मेरे यहीं पे आप देखेंगे तो जाएँ फैली हुई थी, तो वो सो रखा था और इसके बाल मारे, क्योंकि आज बाल धुले थे इसके, तो बाल ना बचने हो जाता ना फैले फैले हो रहे थे, तो ऑयल तो नहीं लगाया था मैंने आज, क्योंकि वही होता ना आज ही धुले थे, तो मैंने कहा चलो अभी आज ऑयल लगाती। और यहाँ पे मैं बना रही थी इसकी पौनी, तो एक बार मैं फ्रेंच बना रही थी, क्योंकि फ्रेंच मतलब वैसे बना लो ना, फ्रेंच में बना लो तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, तो वही है बच्चों की बस अपनी जिद रहती है कि नहीं मम्मी पौनी बनाओ, तो मैंने पौनी बना ली थी इसकी। और इसके बाल ना बहुत मोटे हैं, फिर फैले फैले अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इसकी बना ली पौनी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो टाइम हो चुका है 5:30, 5:30 से भी ऊपर होने वाला है। तो बस अभी मैं बना रही थी बेटी के बाल, क्योंकि आज उसके बाल धुले थे ना, तो उसके ना बाल सूखे हुए नहीं थे। अभी ना फिर से हल्की हल्की बारिश लगी बाहर और मैं उसके बाल बना रही थी, क्योंकि थोड़ा बच्चों को आज मॉर्निंग में नहलाया था। मौसम ठीक था आज, बहुत ठीक तो नहीं कह सकते आप लोग, थोड़ा बहुत ठीक था। मतलब धूप भी आ रही थी, बादल भी आए हो रहे थे, धूप भी आती थी और बादल भी हो रहे थे, बस ऐसे ही हो रहा था, लेकिन फिर भी ठीक था। आप कह सकते हैं 3-4 दिन से जो कपड़े पड़े हुए थे वो धुले थे सारे, बच्चों को नहलाना धुलाना हो गया था, तो बस वही था। मैं बेटी के बाल बना रही थी, क्योंकि उसके बाल ना बहुत वो है, मतलब मोटे हैं ना, सॉरी मैंने एकदम से हो जाता है, तो मोटे हैं तो बाल बना, तो मैं उसको कहती फ्रेंच में बना देती, तो उसने कहा नहीं मेरी मतलब पौनी बना दो मम्मी, आप बच्चे आप लोग समझ सकते हैं कि फ्रेंच बनाने में टाइम लगता, उसको देखना था मोबाइल में, तो सोचा फ्रेंच बनाएगी मम्मी तो टाइम लगेगा, तो क्या नहीं फटाफट से मेरी पौनी बना दोगी। बस बच्चों के साथ ऐसा ही है। और वही कहते हैं आप लोग कह रहे होंगे ना कि मतलब मैं कहती अगर मम्मी कल भी बारिश रही तो, मैंने कहा ऐसे तो मत ही बोलो यार कि रोज़ रोज़ बारिश ही रहे। मैं 3-4 दिन से बहुत पक चुके हैं, और जो 3-4 दिन के कपड़े थे खैर वो तो सूख गए थे, तो मैंने मॉर्निंग में क्या किया, आज मॉर्निंग में कपड़े नहीं धोए, क्योंकि 4 दिन के कपड़े पड़े हुए थे, बहुत सारे कपड़े हुए, तो मैंने कहा पहले सूख जाए उसके बाद ही देखूंगी मैं। तो फिर जो आज के कपड़े थे वो मैंने लेट धोए, लेट के हाँ लेट ही धोए थे, तो बस वाले कपड़े ये पड़े, ये सूखे नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद दिन के बाद फिर मौसम ख़राब हो गया था। ज़्यादा नहीं है खैर, ये तो बस सूखे हुए हैं कह सकते हैं आप, लेकिन थोड़ी सी धूप और दिखानी पड़ेगी, कल धूप हुई तो बस यही सब था। और टाइम हो चुका है 6:30 लगभग बज चुका है, बस कपड़े मैंने तय लगा के सारे रख दिए थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, तय लगाने वाले कपड़े रख दिए, एक दो प्रेस करने वाले कपड़े रह रखे हैं। बस किचन में अभी एंट्री की है, और यहाँ पे एक दो बर्तन रखे हुए हैं, बर्तन साफ़ करने हैं, जैसे मेरे हो रहते ही शाम के बच्चों के दूध के वाले के ये रखे हैं, लगा लूँ सॉरी। किचन अभी पूरा क्लीन है, शाम को क्या बनेगा कुछ पता नहीं है अभी, आज ट्यूसडे है तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी, कुछ नहीं पता है। एक तो सर्दियों में वही है डेली का, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, ठंडा बहुत बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, और धूप आप लग कह सकते हैं सैटरडे से बस ऐसा ही है, और वही जैसे मैं कह रही हूँ धूप थी बादल थे, धूप थी बादल थे, और शाम को फिर हल्की हल्की बारिश सी शुरू हो गई है। और कल तक पता है मैंने क्या सोचा था, मैंने कहा आज मैं कपड़े सुखा लेती हूँ सारे, और कल और मॉर्निंग में पता है हस्बैंड कह रहे थे मॉर्निंग में कि तुम बिस्तरे भी बाहर डाल दो, मैंने कहा आपको हो क्या गया, बिस्तरे भी डाल दो, पहले जो 4 दिन के कपड़े पड़े हैं वो तो सूख जाए, मैंने कहा जिस दिन मतलब आसमान साफ रहेगा धूप होगी तो दिन, तो पता है मैंने वही सोचा था, क्योंकि आज है 25, हाँ तो ये ट्यूसडे का वीडियो है ना, तो ये आप लोगों को शायद कल तो नहीं लेकिन परसों तक तो आएगा, तो ट्यूसडे कल है 26, वेडनेसडे है कल, तो मैंने कहा वही कह रही थी, मैंने कहा अगर मौसम साफ रहेगा तो कल आपकी भी छुट्टी रहेगी, तो कल सारे बिस्तर मतलब मैं धूप में डाल लूँगी, और वही सोचा था कि सारी बेडशीट कल धो लेंगे, लेकिन अभी का मौसम देखे तो मुझे नहीं लगता कि कल सुबह धूप होएगी, क्योंकि फिर से मौसम वही का वही हो गया है, बस मॉर्निंग में आप कह सकते हैं कि थोड़ा मौसम ने मौका दे दिया कि जो 4 दिन के कपड़े थे वो हमने सुखा लिए हैं, और मॉर्निंग में मुझे कह रहे हैं कि तुम ये बिस्तरे बिस्तरे भी डाल दो, मैंने कहा हाँ बिस्तरे बिस्तरे भी डाल दो, तो बस मैंने आज जो जितने भी पायदान थे, और जो मैं मैट बिछाती हूँ ना नीचे, वो सारी मैट सारे पायदान वो सुखा लिए थे, और जो सारे कपड़े 4 दिन के पूरे 4 तार कपड़े थे मेरे कह सकते हैं आप, वो सुखा लिए हैं, और अच्छे से मैंने जो कपड़े जहाँ सेट करके रखते थे वो रख लिए, और प्रेस के कपड़े भी रखे हुए हैं, तो प्रेस करने वाले मैं अब करूँगी, और आज के जो कपड़े धुले हुए थे तो अभी मतलब सूखे नहीं है, तो वो मैंने यहीं पर रखे हुए हैं डाइनिंग पे, तो वो तो अगर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कल धूप हुई तो सूख जाएंगे, नहीं भी हुई तो जो है कि थोड़ा बहुत हवा से भी सूख जाएंगे, थोड़ा बहुत सूखे हुए हैं। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। और हस्बैंड ना एक दिन पहले आलू और प्याज लेके आए थे, तो वो रखे हुए थे, और यहाँ पे लहसुन था, तो यहाँ पे मैंने जैसे आलू प्याज और लहसुन ये सब
कह सकते हैं आप, अच्छे से स्टोर करके भी कह सकते हो आप, और अच्छे से यहीं पे मैं सेट करके रख लेती हूँ। तो बस वही था, तो जैसे होता है ना लहसुन हो जाता है, प्याज या आलू, इसमें थोड़ा कूड़ा सा हो जाता है, तो वही सब मैं अच्छे से इसे मतलब इनका कूड़ा जो है वो साफ़ कर रही थी, और इन्हें अच्छे से छान करके अच्छे से यहीं पे सेट कर लूँगी। तो आलू प्याज मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि जैसे बहुत से लोग होते हैं ना अलग टोकरी में अलग जगहों पे भी रखते हैं, तो बस मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फिर फैला फैला, और किचन भी आपको देखते बहुत ज़्यादा मैशी सी हैवी सी लगती है, तो क्योंकि यहाँ पे रैक मतलब वो जो रहता है खाली रहता है, यहाँ पे मैं जगह आप कह सकते हैं इसी तरह से एडजस्ट करा किया हुआ है, तो यहीं पे रख लेती हूँ मैं। और बहुत से लोग आलू धो धुल के भी रखते हैं, तो हम नहीं रखते आलू धुल के, तो जब बनाने होते हैं तभी धुलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी मिट्टी जो जितनी भी थी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी, क्लीन कर ली थी, और जो भी है पन्नी है कूड़ा है वो मैंने सब क्लीन कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं निकालने लगी थी रजाई का कवर, तो पहले मैंने सोचा था मैं सिर्फ एक ही रजाई का कवर धुलूंगी, लेकिन उसके बाद मौसम थोड़ा खुल गया था, ठीक ही रहा मौसम, तो मैंने सारी रजाइयों के कवर धुल लिए थे, और बहुत ज़्यादा मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत बार मैं ये सब शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। और ये है फिर शाम का वीडियो, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय, और शाम तक मौसम बिल्कुल हो चुका था ख़राब, लेकिन मॉर्निंग के मुझे जो भी काम करने थे मेरे हो चुके थे। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं अदरक वाली चाय, क्योंकि ठंड में अदरक की चाय का आप कह सकते हैं मज़ा ही कुछ और होता है, और हस्बैंड घर में थे, तो इसलिए मैं शाम को बना चाहिए। हम यहाँ पे दिखाते हैं, चाय पत्ती बिल्कुल ख़त्म होने को थी, थोड़ा बहुत ही बची हुई थी, ज़्यादा नहीं थी, ख़त्म होने को थी, तो हस्बैंड आज घर में है तो मैं शाम को बना रही हूँ चाय। वैसे तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, वरना शाम को चाय ज़्यादा चाय नहीं बनाती हूँ, जब अकेले रहती, हाँ जब होता है कि मन होता है पीने का तो बना लेती हूँ, नहीं होता है तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज छुट्टी थी हस्बैंड की, घर में थे, तो बस इसलिए चाय जल्दी बन रही है। तो टाइम अभी लगभग 4:30 लगभग हो रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, तो बस मैंने कहा, वैसे उन्होंने तो नहीं बोला, लेकिन मैंने खुद से ही चाय बना ली, और खूब सारा डाला था अदरक। तो यहाँ पे चाय चढ़ा ली है मैंने, देखिए चाय में डाला है मैंने खूब सारा अदरक। तो इसे मैंने इसलिए रखा है ना कि जल्दी बन जाती है। गैस मैंने थोड़ा कम की हुई है, मतलब बाहर निकलती है तो एक्स्ट्रा होती है, तो गैस मैं कम कर लेती हूँ, इसको प्लेट को रख लूँगी ना तो चाय ना जल्दी उबल जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आता है। और खूब सारा अदरक डाला है मैंने, क्योंकि खूब सारे अदरक होते हैं ना, कभी मन ज़्यादा अदरक वाली चाय पीने का, और ठंडा भी हो रहा है तो अदरक वाली चाय पी लेते हैं। और सुबह से ठीक था मौसम, और फिर से बारिश होने लगी, तो बारिश तो लगता नहीं कि इस बार पीछे छोड़ेगी, क्योंकि मुझे दाना सा हो गया, तो बारिश इस बार लगता नहीं है कि जाएगी, छोड़ो बारिश की बात तो बिल्कुल छोड़ दो। और बहुत सारे कपड़े थे तय लगाए वो करे, तो मैंने नहीं वो किया, मतलब वीडियो नहीं बनाया मैंने कपड़ों का, जैसे मैंने मॉर्निंग में से रजाई के कवर ववर निकाले थे, रजाई के क्या मैंने फिर सारी रजाई के कवर निकाले थे, सारी रजाई के कवर धुल लिए थे, रजाई में धूप में डाल थी, ठीक था मौसम मॉर्निंग में, मतलब ठीक ठीक था, मैं ये भी नहीं कह सकती कि बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, लेकिन ठीक था मौसम, और कपड़े सूख गए थे सारे, लेकिन अभी 4 बजे लग गए, बजे लगभग से फिर से बारिश होने लग गई, तो बस वही काम करती जा रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही, पता कल भी नहीं बना पाई मॉर्निंग से, आज भी मॉर्निंग से इसलिए नहीं, क्योंकि बार बार कई कपड़े पलटने जा रही हूँ कर रही हूँ, इसलिए वो टाइम से सूख के आ भी गए हैं, वरना तो शायद ना सूख पाते। और अभी 4:30 लगभग हो रहा है और बारिश शुरू हो गई है, बाहर अंधेरा सा होने लग गया है फिर से, तो बारिश 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 हर वीडियो में बारिश की बात हो जाती है ना चाहते हुए भी। और यहाँ पर बना रही हूँ चाय, मॉर्निंग से कोई भी वीडियो नहीं बन पाया, और अभी तक मेरा कोई पता नहीं, मैं रेसिपी भी आज के वीडियो में कोई रेसिपी भी दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता है, हो जाता ना एक तो रेसिपी कुछ हो समझ में भी नहीं आना है क्या शेयर करूँ, नॉर्मली होती है जैसे जो भी होती है, तो फिर क्या शेयर करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और मॉर्निंग से मैं कह रही हूँ जैसे काम में बिजी थी, तो जैसे काम तो खैर बहुत किया, काम तो पूरा ही किया, लेकिन वही है कि बार बार शेयर करो तो वही चीज़ रिपीट बाय रिपीट हो जाती है, तो बार बार क्या शेयर करो, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। और अभी पी लेंगे फटाफट से यहाँ पर चाय बना के, गरम गरम चाय पी लेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे चाउमीन, खूब सारी चाउमीन आई है, और थोड़ी सी हॉट केस में भी थी, तो यहाँ पे मैंने मतलब बेटे को दे दी थी, बेटी को दी थी और मेल थी, और चाउमीन बनाई थी मेरी जेठानी ने, मतलब दीदी ने, जेठानी ने बनाई थी, क्योंकि तो हस्बैंड ने कहा जब वही होता ना, उन्होंने कहा मैं शाम की संध्या करूँगा, पूजा करूँगा तो उसके बाद ही खाऊँगा। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा चिली सॉस, जो चिली सॉस डाल के ना बहुत टेस्टी लग रही थी, बच्चों के उसमें तो नहीं डालती मैंने कि, लेकिन अपने उसमें ही डाली थी, और बहुत ज़्यादा कुछ मैं इसमें शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब खैर मैंने तो बनाई नहीं थी, दीदी ने बनाई थी, मैं क्या शेयर करती। और ये देखो चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, ऐसी चीज़ें बच्चे इतने चाव से खाते हैं कि आपको बता नहीं सकते, और टीवी भी चल रहा है इनका, और खूब मज़े लेके खाया जा रहा है,
और इसकी डिमांड पे ही बनाया ये। और मतलब बेटे ने ही बोला था, मतलब मॉर्निंग से कह सकते हैं आप, वो लगा हुआ था मेरी ताई के पीछे, यहाँ देखो इनको कैसे कर रहा है। तो ये ऐसे करते हैं, मेरी वीडियो ख़राब कर देते हैं, पता कैसे काम रहता है, बर्तन देखो कैसा। तो मॉर्निंग से ना वो अपनी ताई के पीछे लगा हुआ था कि ताई चाय वो मतलब सॉरी चाउमीन बनाना, चाउमीन बनाना। याद तो था कि ताऊ जी तो मना भी करते कि नहीं बनाना है, वही होता ना कि बच्चों को आज चाउमीन बना लो, आज मोमो बना लो। और इससे मतलब पहले एक दिन पहले मैंने मैकरोनी भी बनाई थी, तो वो शेयर नहीं की मैंने, क्योंकि मैकरोनी शेयर की हुई थी, तो बस इनका ये रहता कि मैगी बना लो, अब मैकरोनी बना लो, अब चाउमीन बना लो। तो मैं तो नहीं बनाती हूँ, मैंने कभी नहीं बनाई है चाउमीन ऐसे घर में, मैं नहीं बनाती, लेकिन दीदी बहुत बार बनाती है, बना लेती है। तो ये मॉर्निंग से आज जिद कर रहा था कि चाउमीन बनाना, तो बस वही कह सकते हैं। मतलब ताई ने इसको प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं चाउमीन बनाऊंगी, तो बस चाउमीन बन गई थी और हम सब ने खा लिया। उसके बाद किचन में हम सब लगभग शाम के टाइम पे, इस टाइम किचन में ही थे, ये बना रहे थे पालक पनीर। और मेरे बर्तनों की ढेर आपने देखी होगी, इतने सारे बर्तनों के थे, और मैं इनको कहती कि मेरे बर्तन यहाँ निपट नहीं रहे, तो एक के बाद एक बर्तन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। मतलब मैं बहुत देर तक पता है बर्तन ही साफ करती रही, क्योंकि मैं एक तरफ से निपटा रही हूँ, दूसरी तरफ से देते जा रहे हैं, मैं एक तरफ से निपटा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने इनको कहा जो भी जूठे बर्तन है अपने एक किनारे रखो, पहले मैं इनको क्लियर कर लूँ, उसके बाद ही मैं मतलब वो करूँगी, दूसरे बर्तन क्लीन करूँगी। तो बस छुट्टी के दिन मोस्टली हमारा ऐसे रहता है, जब भी छुट्टी रहती है तो ये और मैं दोनों किचन में ही रहते हैं नॉर्मली। और इसको देखो इसका अलग ही चल रहा है अपना बीच बीच में। तो बस वही आप कह सकते हैं, हम चारों की चारों की बेटी भी यहीं पे थी, तो वो वीडियो बना रही थी, तो बेटी भी यहीं पे थी, ये भी यहीं पे था, सब सब किचन में ही है, पूरी फैमिली किचन में ही लगी हुई है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मेरे लगभग लगभग हो चुके हैं क्लीन। बात बनाने लगी हूँ मैं यहाँ पे रोटियाँ और ये साग, मतलब पहले तो खैर ही बन चुका था, पक चुका था, अभी मैं मतलब जब रोटी बनाने आई हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद बर्तन मांजने के बाद मैं चल गई थी बच्चों के साथ, थोड़ी देर मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बर्तन मांजने के बाद मैं बच्चों के साथ बैठ गई थी थोड़ा बहुत, जैसे उनका होमवर्क होता है उनका होमवर्क कराना और पढ़ाना, जैसे आजकल उनकी डेली ऑनलाइन क्लास है बच्चों के, मतलब खासकर छोटे वाले को, बड़ी वाले तो कर लेती है। और उसके बाद क्योंकि फिर मैं दोबारा थोड़ी देर बाद, देर के आपके से आधा घंटे के बाद ही रोटी बनाने आई हूँ, तो वही है फिर मैंने दोबारा से किया है साग, सॉरी पालक पनीर गरम, क्योंकि आप समझ सकते हैं आजकल खाना एकदम इतनी जल्दी ठंडा हो जा रहा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक तो मैं रोटियाँ बनाई थी, दूसरे मैं साग गर्म करने के लिए था, और दूसरी तो मैंने केटल में पानी गर्म कर लिया था। और यहाँ तक कि बेटी भी थी मेरी यहीं पे, तो मैं उसको बोलती मैं फटाफट गर्म गर्म खाना बना रही हूँ आप दे लो, तो पहले उसने पापा को दे लिया था और वो अपने लिए ले गई थी, फिर बेटे ने और मैंने एक साथ ही खा लिया था। क्योंकि आजकल ना मतलब मिनट में ही खाना ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी खाना ठंडा होता है, इसी कारण पता है आप ये भी कह सकते हैं सर्दी में ना गैस भी ज़्यादा लगती है यार, क्योंकि बार बार मतलब खाना हुआ कुछ भी हुआ गर्म करना पड़ता है, और बर्तन भी थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं लेट ही गर्म होते हैं। तो खाना पीना निपट चुका है और टोपी का पता है कि अगर टोपी पहनो तो यहाँ पे खुजली होती है, और ना पहनो ना तो ऐसे लग रहा है जैसे सिर पे ना बर्फ़ पड़ रही होगी, तो किसी टाइम तो नहीं लगता लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और उस वजह से टोपी पहननी पड़ती है, और यहाँ यहाँ ना खुजली होती है मेरी टोपी से, और लेकिन जिसमें ठंडा लगता है तो पहनना ही पड़ता है, वरना ना हल्का सिर में दर्द सा जाता है। तो बस खाना पीना निपट चुका है, बर्तन मैंने सॉरी बर्तन क्लीन कर लिए हैं, सारा काम हो चुका है, तो मैंने कहा वीडियो कर लेते हैं एंड, क्योंकि वीडियो आज मेरा कुछ ज़्यादा बन नहीं पाया कल से, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना काम की वजह से मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई, यहाँ तक कि मैं रेसिपी भी शेयर नहीं करी, क्योंकि पालक पालक पनीर बहुत बार बन चुका है, बहुत बार फिर मेरे को बार बार वही क्या शेयर करो, और पता है क्या है वो ही जाता है डेली क्या शेयर करो क्या शेयर करो, और जब अपना पर्सनल कुछ वैसा काम हो जाता है ना तो टाइम नहीं हो पाता, और फिर वही था जैसे कपड़ों वपड़ों का ये काम ज़्यादा था, तो वो तो बहुत बार दिखा रखा है, तो मैं बार बार क्या दिखाऊँ क्या करूँ, तो बस वही हो जाता है क्या शेयर करें क्या शेयर करें, और कुछ ऐसा खास बनाया भी नहीं था। हाँ चाउमीन थी तो चाउमीन दीदी ने बनाई थी, मैंने तो बनाई नहीं थी, और मदर को गई भी नहीं, अगर हाँ 1% इसलिए नहीं गई क्योंकि दीदी लोगों को ना जुकाम सा हो रहा है हल्का फुल्का, तो उधर को गई भी नहीं मैं, अगर जाती उधर को तो शायद मैं वही दिखा देती चाउमीन का, तो मैं उधर को गई भी नहीं तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई, तो मैं वही पता है क्या वही सोच रही थी देखते समय तो कोई देखता है नहीं, मतलब देखता है फटाफट स्किप किया या वैसे किया फटाफट से वो कर लेते हैं, और मतलब हम लोगों को कितना मतलब सोचना पड़ता है कि क्या प्रेजेंट करें कैसे प्रेजेंट करें क्या दिखाएं,
और डेली एक तो घर से बाहर जा नहीं सकते क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है और कोई ऐसा फिलहाल कहीं जाना भी नहीं है, जा भी नहीं सकते हैं, घर से बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है। और घर के जो डेली के काम है तो डेली के ही हैं, अगर हम डेली वही दिखाएंगे तो बोरिंग हो जाता है, तो क्या दिखाएं क्या दिखाएं, बस यही हो जाता है। बहुत बड़ी टेंशन होती है ये, ऐसा नहीं है देखने वाले को लगता है कुछ नहीं है लेकिन बहुत बड़ी टेंशन होती है, सोचना पड़ता है क्या बनाएं कैसे प्रेजेंट करें, फिर एडिटिंग करना वो करना, तो बहुत टाइम लग जाता है और कभी कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है। तो जैसे मैंने बताया, सोनू हल्ला नहीं करो, सोनू ये ना हर टाइम हल्ला ही करता रहता है, तो बस वही सब चीज़ हो जाता है। तो बस जो कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है मैंने इस वीडियो में, कुछ खास भी नहीं है, कोई रेसिपी भी शेयर नहीं करी, फिर भी आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पता है मेरे इसमें क्या है ना, बहुत से व्यू ऐसे भी हैं कि जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।